हेलो बंधुरा, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैंने ये लुक को क्रिएट करके दिखाया है, लेकिन स्मोकी आई क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है या फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी, ये तो आपको ये वीडियो में देखते हुए पता चलेगा। पर ये लुक को करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडी लुक है। स्मोकी आई लुक इज़ ऑलवेज इन ट्रेंड, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि स्मोकी आई करना कितना ज़्यादा आसान होता है। बहुत ही सिंपल रूल्स होते हैं। किसी किसी को लगता है कि स्मोकी आई करने से हमारे आँखों में एकदम से डार्क सर्कल की तरह दिखेगा, लेकिन हाँ दोस्तों, ऐसे रूल्स हैं जो कि आप फॉलो अगर नहीं करेंगे तो स्मोकी आई लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए ऐसे वीडियोस देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लुक एक बार आपकी ज़िंदगी में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है किसी भी लुक के साथ। तो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है। पहले अपने फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा कवरेज जो है वो फुल आए। मैंने इसके ऊपर एकदम से वीडियो किया है, फुल कवरेज कैसे कर सकते हैं आप किसी भी फाउंडेशन को, तो उसको आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में जाके। फिर मैं यहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ अपनी आँखों पर, क्योंकि स्मोकी आई करने से पहले अपने आँखों को कंसील कर लेना अगर आपके डार्क सर्कल्स है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपकी स्मोकी आईज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। उसके बाद मैं एक डार्क ब्राउन कलर को अपनी क्रीज लाइन पे डिप देने के लिए यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो यू कैन यूज़ योर क्यू टिप से आप अपने ब्लेंड कर सकते हैं अपने आई शेडो को। उसके बाद देखिए, मैं एक वी लाइन क्रिएट कर रही हूँ अपने आउटर वी लाइन में। फिर मैं अपने पूरे लिड में एक ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे आप काजल लगा के भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन काजल लगा के ब्लेंड करना इज़ अ वेरी टफ थिंग फॉर स्मोकी आई फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आप पहले से ही काजल लगा के उसे स्मज करने लग जाएंगे तो वो ज़्यादा तकलीफ होगी और बहुत टाइम टेकिंग भी हो जाएगा। इसीलिए मैंने एक ब्राउन कलर को लेके पहले अपने पूरे आई लिड में लगा रही हूँ। अपने लोअर लैश लाइन को भी आपने लगा लिया है ताकि मुझे बाद में जब मैं इसको काजल से स्मज करूंगी तो मुझे हल्का सा ही ब्लेंड करना पड़े, क्योंकि मैंने पहले से ही एक कलर का फॉर्मेशन अपने आई लिड में कर लिया है ताकि मुझे ज़्यादा तकलीफ ना उठाना पड़े। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, आप ट्राई कीजिए, आपको पता चलेगा। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे काजल ले रही हूँ। काजल को मैं अपने लैश लाइन में और अपने ऊपर की जो लो अपर लाइन है वहाँ पे भी मैं अप्लाई करूँगी और हल्का सा ही मैं स्मज करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपना स्मोकी आई क्रिएट करने के लिए वहाँ पर ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर लिया है। स्मज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काजल को अप्लाई ऐसे रैंडमली कर सकते हैं, कोई ऐसा लाइन नहीं चाहिए कि एकदम सीधा सीधा लाइन आपको करना है आईलाइनर की तरह। उसके बाद आप एक स्मजिंग ब्रश से स्मज कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास क्यूटिव है उससे की मदद से भी आप स्मज कर लीजिए, लेकिन स्मज करना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे ही मत छोड़ दीजिएगा, बहुत ही गंदा दिखेगा। उसके बाद फिर से आप एक ब्लैक आई शेडो लेके उस काजल के ऊपर आप स्मज कर लीजिए ताकि वो काजल आपका फैले ना और स्प्रेड ना हो जाए आपका काजल और एकदम से लॉक हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर का यूज़ किया है। हाइलाइटर इज़ अ मस्ट ऑप्शन, बिकॉज अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो वाइट कलर का आई शेडोज भी लेके आप अपने इनर कॉर्नर्स में ज़रूर अप्लाई कीजिए, बिकॉज ऑलरेडी हमारे यहाँ पूरे आईज़ में हम इतना ज़्यादा ब्लैक लगा लिए होते हैं। अगर आपको इनर कॉर्नर में हाईलाइट नहीं करेंगे तो आईज़ बहुत ज़्यादा ड्रुपी और बहुत ज़्यादा क्लोज नज़र आएंगे। तो हाइलाइटर क्या करता है, इनर कॉर्नर को हमारे आईज़ को ओपन अप कर देता है। अब एक बार ट्राई कीजिए, आपको पता चलेगा फ़र्क क्या होता है। उसके बाद एज यूजुअल मैं अपने फेस में कॉन्टोर ब्लश और हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ। फुल फेस फाउंडेशन और फुल फेस मेकअप लुक बिगिनर के लिए मेरे चैनल में ऑलरेडी है, आप चाहिए तो जाके एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे पिंक लिपस्टिक यूज़ किया है, जैसे कि श्रद्धा कपूर ने अपने उस गाने में यूज़ किया है बागी फिल्म में। उसके बाद मैं फॉजिस का अप्लाई कर रही हूँ। है बहुत से व्यूअर्स को ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा लुक क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा कीमती प्रोडक्ट से ही हम ऐसे लुक क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने चैनल में हमेशा अफोर्डेबल प्राइसेस में प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ, जैसे कि हमारे बजट में हो, बिकॉज मेकअप लुक क्रिएट करना हम लड़कियों को अच्छा लगता है, लेकिन यस अफोर्डेबल प्राइसेस में, क्योंकि हमको बहुत सारे लुक क्रिएट करना होता है। अगर हम एक ही लुक के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे तो दूसरे लुक के लिए हमको फिर से पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स अपने चैनल में दिखाती हूँ ताकि आप बहुत सारे लुक एक ही पैलेट से या फिर एक ही प्रोडक्ट से यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए आपने मुझे वीडियोज़ में देखा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स का मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ और बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स में यूज़ करती हूँ। अगर आपको अभी तक मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।